अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। SJB खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। चलो आज हम चुंगड़ी और मैगी और मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं। किस तरीक़ा से बनाते हैं चलो देखते हैं। एक बड़े से तवा लेंगे, उसमें हम ऑयल गरम कर चुके हैं। उसमें हम जीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे, 2 से 3 ग्रीन चिली ऐड करेंगे कट किया गया। इसमें हम 3 बड़े प्याज डालेंगे कट किया गया, फाइन कट किया गया 3 बड़े प्याज डालेंगे। इस तरीके से हम चलाते हुए इसे थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इतना ही हम ब्राउन करेंगे। इसमें हम 2 बड़े कटिंग किया गया टमाटर डालेंगे, उसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरीके से हम चलाते हुए उसे थोड़ा सा भून लेंगे। उसमें हम फिर मसाला ऐड करेंगे। पहले रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे, फिर टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे, फिर इसमें हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, फिर इसमें हम मैगी मसाला डाल लेंगे 3 मैगी बनाएंगे। इस तरीके से हम भूनते हुए थोड़ा सा पानी देके इसे भून लेंगे, एकदम थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। हम ऐड कर लेंगे, छोटे छोटे हम चुंगड़ी लिए थे, बड़े नहीं लिए थे, छोटे छोटे चुंगड़ी थे, उसे हम छोटे छोटे चुंगड़ी डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसे थोड़ा सा 5 से 7 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे कवर करके। ग्राम चुंगड़ी का 3 मैगी बनाएंगे इसमें हम। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। इसे 3 से 5 मिनट तक हम कवर करके लो फ्लेम में बनाएंगे। चुंगड़ी अपने आप पानी छोड़ने लगी है, उसे हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। पहले गाजर ऐड करेंगे, क्रश किया गया 1 बड़ा गाजर ऐड करेंगे। फिर इसमें कैबेज ऐड करेंगे, पत्ता गोभी थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर इसमें
कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम डालेंगे, एक एक छोटा छोटा एक एक डालेंगे। इस तरीके से हम मिलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट बना पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। मैगी को हम उबाल कर रख सकते हैं, इसमें हम ऐड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। आप हमारा साथ देना। इस तरीके से हम मिलाते हुए हम मैगी को खिला खिला बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है चुंगड़ी और वेजिटेबल मैगी। हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ता। धनिया पत्ता जिसमें जाएगा उसका मज़ा लाजवाब होता है। इसका खुशबू मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर चीज़ों में डालती हूँ। अब इसमें हम डिश आउट करेंगे, कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।